अब एटीएस की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें भी साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि पहली नजर में ये प्रेम प्रसंग का ही मसला दिखाई देता है, इसमें कोई जासूसी का एंगल अभी निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी एटीएस जो है जिस पशुपतिनाथ मंदिर में दीपक मौजूद हैं, जहां से आपको जानकारी सारी दे रहे हैं, वहां पर एटीएस भी पहुंचेगी, क्योंकि हर एक पहलू को जानना समझना भी बहुत जरूरी है। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, एटीएस ने पहली नजर में तो लग रहा है क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अभी भी इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। जब आप कोई ऐसे आ रहा है, फ्रेमवर्क भी तो हो सकता है ये सब कुछ। आप मीडिया के सामने आइए, बातचीत करिए, आप फिर उसके बाद जानेंगे कि आपको पकड़ा भी जाएगा, आपसे पूछताछ भी की जाएगी, ये पूरा फ्रेमवर्क भी हो सकता है। देखिए सपना, यही वजह है कि कई एजेंसियां सीमा से पूछताछ कर चुकी हैं। जब वो अवैध तरीके से भारत आई थी तो आईबी ने उससे पूछताछ की, इसके अलावा उसके बाद एटीएस ने पूछताछ की, तो लगातार भारत की सुरक्षा एजेंसियां पुख्ता करना चाहती हैं कि क्या वाकई ये कोई एजेंट है या नहीं है। लेकिन जहां तक यूपी एटीएस की बात करें तो एक प्रोफेशनल यूनिट है, एंटी टेरर यूनिट है उत्तर प्रदेश की, और कई बड़े आतंकी मामलों की तफ्तीश वो कर चुकी है, तो उसने पुख्ता कर लिया है कि अब तक कोई जासूसी वाला एंगल तो सीमा हैदर का नहीं लग रहा है, या कोई एजेंट पाकिस्तान या आईएसआई की सीमा हैदर नहीं है, इतना तो साफ हो चुका है। लेकिन यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों से अभी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो देश की बाकी एजेंसियां हैं एक बार वो भी सुनिश्चित कर लें कि सीमा हैदर वाकई में एक सामान्य महिला है जो केवल एक प्रेम प्रसंग के चलते भारत आई है, उसके बाद ही उसके डिपोर्ट करने को लेकर या उसे नागरिकता देने को लेकर या किस तरह की आगे कार्रवाई होगी वो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सपना इतना तय है कि सीमा हैदर अभी ग्रेटर नोएडा में ही रहेगी, अभी वो सुर्खियां बनी हुई है, लेकिन जासूसी जैसा कोई एंगल उसका सामने नहीं आया है। और हम लगातार बता रहे हैं कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, वो कोर्ट में मामला लंबित है, तो ऐसे में उसका डिपोर्ट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लीगली तौर पर। इसलिए यूपी पुलिस के अधिकारियों ने कहना है कि अभी थोड़ा विचार विमर्श किया जाएगा, कानूनी राय ली जाएगी, और उसके बाद आगे फैसला किया जाएगा कि सीमा हैदर को क्या डिपोर्ट करना है या उसे भारत की नागरिकता देना है।